हेलो एवरीवन, वेलकम टू परमार डिफेंस। कैसे हैं आप लोग? क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है सभी को? हेलो। जय हिंद भैया सभी को। हेलो एवरीवन, वेलकम टू परमार डिफेंस। कैसे हैं आप लोग? क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है सभी को? हेलो। ओके भाई, झिंगा लगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। कोई नहीं, आराम से देखिएगा, ठीक है? क्वेश्चंस को करिएगा सभी लोग। चलिए, आज की क्लास हमारा 17th लेक्चर है। सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सभी को। सॉरी। चलिए बढ़ते हैं आज का पहला क्वेश्चन, और थोड़ा सा आज स्पीड में करेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस को, क्योंकि थोड़ा तबीयत डाउन है, कल से सही नहीं हुई फिलहाल, ठीक है, मौसम चेंज हो रखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन है हमारा कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड। पहले क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है? पहले क्वेश्चन में आपको गिवेन है कि भैया बूटलेस का कोड गिवेन है आपको, और आपसे पूछा जा रहा है, कैपलिन का कोड भी गिवेन है, और आपसे पूछा जा रहा है टॉपियोका का कोड बताइए। टैपियोका, TAPIOCA का कोड बताना है हमको। खुश रहो भैया सभी लोग, मस्त रहो। बेटा अभी हम लोग क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं, ठीक है? जो आया नहीं आया एक बार देख लिया जाएगा क्या है आया क्या नहीं आया, ठीक है? टैपियोका का कोड बताना है आप सभी को। तो आप इस क्वेश्चन में देखिए, आपको TAPIOCA जो कि सभी अल्फाबेट्स आपको यहां पर दिख रहे हैं, ठीक है? अगर आप बूट लेस में आइए, बूट लेस में आइए, अगर आपको कोड गिवन है 4996037 2। देखिए सबका कोड सामने ही लिखा हुआ है, तो आप यहां पर ये देख लीजिए, सी का कोड 7 है, 7 लिख दे रहा हूं मैं। ए का कोड 3 है, 3 लिख दे रहा हूं, ठीक है? टी का कोड 6 लिखा है, टी के नीचे 6 लिख दिया मैंने। ए का कोड कितना था? 3 था। और पी आप किससे निकालेंगे? पी दूसरे वाले से निकालेंगे, कैपेलिन करके, ठीक है? कैपेलिन में 8 है पी का कोड, तो 638 किस में आ रहा है बेटा? 638 हमारे डी पार्ट में आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो आई क्या होगा? I1 होगा, और O आपका क्या है? 9 है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, क्योंकि सभी कोड यहां पर दिए हुए हैं, इसलिए मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन से उठा लिया है। यहां पर कोई रिलेशन नहीं बन पाएगा, ठीक है ना? +3 -3 कुछ भी ऐसा रिलेशन नहीं बन रहा है। सॉरी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी भैया। जी, डायरेक्ट कोडिंग बोलते हैं विद्यापीठ जी इसको। यहां पर बताइए, हिंदी का जो संबंध देवनागरी से है, तो इंग्लिश का संबंध किससे होगा? इंग्लिश का संबंध किससे होगा मेरे भाई? भैया 17 तारीख से एग्जाम्स है, ठीक है? और आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए एग्जाम कब से है। तो बताइए, जी, जो इंग्लिश की जो लिपि है वो देवनागरी नहीं, लैटिन होती है। हिंदी देवनागरी और इंग्लिश लैटिन आपको डायरेक्ट याद रखना है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का सही होगा। ब्रिटिश कोई नहीं बोलेगा भैया, उसकी लिपि पूछी जा रही है, ठीक है? ब्रिटिश कोई नहीं बोलेगा, याद रखना है। सेकेंड का ए पार्ट हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। सेकेंड का ए पार्ट हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा 12 से 22 हो गया, 22 से 40 हो गया, फिर 74, 140। ये हमारा नेक्स्ट नंबर आपसे पूछा जा रहा है, क्या करने वाले हैं आप नेक्स्ट नंबर को पाने के लिए? जल्दी से बताइए आप क्या करने वाले हैं नेक्स्ट नंबर को पाने के लिए। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे 12, 12 से 22, 22 से 40, 40 से 74, 140 एंड द क्वेश्चन मार्क। आप देखिए, बहुत बढ़िया झिंगा लाला भाई, आप क्लास कर रहे हैं, बहुत खुशी हुई जान करके। चलिए 12 से 22 आएंगे, देखिए मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 2, 12 दूनी 24 माइनस 2, 22 से 40 आएंगे, 22 दूनी 44 और फिर -4 हो रहा है। फिर आगे देखिए, अगेन 2 से मल्टीप्लाई होकर के -6 हो रहा है, फिर अगेन 2 से मल्टीप्लाई होकर के -8 हो रहा है, और आगे अगर 140 में आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 280 आएगा, जिसमें -10 आपको करना पड़ेगा, क्योंकि दो दो करके माइनस हर एक में बढ़ रहे हैं मेरे भाई। तो 270 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। जी बिल्कुल, मैक्सिमम बच्चे ऑप्शन ए को ही सिलेक्ट कर रहे हैं, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ के लिए मैं आप सभी को टाइम दे रहा हूं, मुझे क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर बताइए सभी लोग, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर बताइए सभी लोग, क्या हो सकता है जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर बताइए सभी लोग, क्या हो सकता है? देखिए बेटा क्या कर सकते हैं, आपको यहां पर देखना है 72, 72, 56 और 42 में क्या रिलेशन है, 72, 56 और 42 में क्या रिलेशन है। मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं 72 और 42 को ऐड करने जा रहा हूं, और कितना आ रहा है हमारा 114 आ रहा है, आई थिंक 7 4 11 2 14, 114, और 114 को अगर हम डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो आपका क्या आएगा 57 आएगा, 57 में आप एक माइनस कर देंगे तो 56 आ जाएगा। बीच वाला नंबर कब आया, अगल बगल वाले नंबर्स का एवरेज किया और फिर -1 किया, ठीक है। तो आप यहां पर देखिए बीच वाले नंबर का क्या बाकी मिल रहा है, 132 प्लस 90, 132 प्लस 90 क्या होता है 222 होता है, उसको आप डिवाइड बाई 2 करेंगे 111 आएगा, और -1 करेंगे तो 110 आपको मिलेगा। तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल करेक्ट है, इसी की तरीके है। बी में आइए, 80 प्लस 58 कितना होता है बेटा 138 होता है, 138 डिवाइड बाई 2 आप करेंगे तो कितना आएगा 69 आएगा, 69 में 1 माइनस करेंगे तो 68 आएगा, देखिए 68 फिर से लिखा हुआ है। तो ए और बी तो सेम पैटर्न पर है। सी पर आ जाते हैं भैया, 80 प्लस 24 कितना होता है 104 होता है, 104 का आधा आप करेंगे तो 52 आएगा, 52 में -1 करेंगे तो 51 आना चाहिए था, लेकिन यहां पर 48 लिखा है, तो सी पार्ट हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए भैया, जिसको भी लेट हो गया कोई बात नहीं, आप क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल इतना खतरनाक बढ़िया क्वेश्चन है कि आपको मजा आ जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर फोर, आप क्या कर रहे हैं इसमें, आप एवरेज निकाल करके, एवरेज निकाल करके -1 कर रहे हैं, एवरेज निकाल करके -1 कर रहे हैं, और देखिए ए बी और डी में एवरेज निकाला अगल बगल वालों नंबर का, 126 प्लस 80 डिवाइड बाई 2 करेंगे -1 करेंगे तो बीच वाला नंबर आ रहा है, लेकिन सी वाला जो ऑप्शन है हमारा, सी वाले में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का सही होगा, जो भी बच्चे डी ऑप्शन दे रहे हैं वो ध्यान दें कि क्यों नहीं सही है उनका, डी डी पे ध्यान दें क्यों नहीं सही है, ठीक है, क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर फोर आई थिंक क्लियर है सभी को, गैपिंग में आप सोच लीजिए जो भी है, ठीक है, गैपिंग में आप सोचिए, जैसे भी आप सोच पाए क्वेश्चन का आंसर सही आना चाहिए, ऑप्शन सी ही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर फाइव में आ जाइए सभी लोग, क्वेश्चन नंबर फाइव में आ जाइए, पेन चेंज कर लें आप ही, कलर बता दो, ब्लू ठीक है, ये वाला कलर ठीक है जो अभी मैंने लिखा,
ठीक है, चलिए देखिए यहां पर वायरस इबोला क्या कह रहे हैं। इबोला जो डिजीज है वो किसकी वजह से होती है, वायरस की वजह से होती है, आपको पता होना चाहिए। तो राइट साइड में डिजीज लिखी है और लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ है, उससे होने का कॉज लिखा हुआ है, किसकी वजह से होती है। तो आपको याद रखना है भैया, प्लेग जो होता है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है, कौन, प्लेग। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ऑप्शन बेटा तो बता दो ना, मैंने तो ब्लू पेन यूज कर लिया, ब्लू पेन ठीक दिख रहा है, आप बता दो, ब्लू पेन दिख रहा है सही तो ब्लू से मैं लिख दूंगा, मुझे क्या प्रॉब्लम है, यहां तो बहुत सारे पेन है, लेकिन ब्लैक के बैकग्राउंड में रेड ज्यादा खिल के आता है और ब्लू ये जो मैं लिख रहा हूं वो मैं लिख रहा हूं वो खिल के आएगा, ठीक है। तो ये ओके है ना ये पेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया हमारा, आज हम सीधे क्वेश्चन नंबर 10 पर आपसे मार्क्स पूछेंगे, ठीक है। कोई समस्या तो नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है अगला हमारा, क्या लिखा हुआ है। तुषार जितेंद्र का एक लौता बेटा है, तुषार जितेंद्र का एक लौता बेटा है, तो मैंने तुषार को बनाया, तुषार बेटा है किसका, जितेंद्र का, जे से लिख दिया जितेंद्र भाई को। तुषार जितेंद्र का एक लौता बेटा है और कीर्ति जितेंद्र के पिता के भाई की बेटी है, क्या कह गया ये, कह रहा है कीर्ति जितेंद्र के पिता, तो जितेंद्र जी के पिताजी को एक और ऊपर लिख दिया, फादर लिख दिया, एफ से लिख रहा हूं, जितेंद्र जी के जो कीर्ति है वो जितेंद्र के पिता के भाई, पिताजी के भाई को बी से लिख रहा हूं मैं, ठीक है, कि बेटी कौन है, कीर्ति है, कीर्ति को के से लिख रहा हूं, ठीक है। सुहानी कीर्ति से किस प्रकार से रिलेटेड है, जबकि सुहानी तुषार की बहन है, तुषार ये था नीचे सबसे, इसकी बहन कौन है, सुहानी है, सुहानी तुषार की बहन है। तो अच्छा एक बात बताइए, जितेंद्र की कजन कौन लगी, कीर्ति लगी, तो कह रहे हैं कि सुहानी कीर्ति से किस तरीके से है, कीर्ति जो होगी भतीजी होगी, भतीजी होगी भैया, भतीजी होगी, नीस होगी, NIEC की सुहानी जो होगी, सुहानी पूछ रहा है, सुहानी कीर्ति से किस प्रकार संबंधित है, सी पार्ट हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा, चचेरी बहन कैसे होगी भाई, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्यों आप लोग डी लगा रहे हैं, एक बार मैं चेक कर लेता हूं, एक बार मैं चेक कर लेता हूं भाई, आपसे क्वेश्चन में बोला गया है तुषार जितेंद्र का एक लौता बेटा है, तुषार जो है जितेंद्र का एक लौता बेटा है, ठीक है, सॉरी एक लौता बेटा है, ठीक है ठीक है, एक एक ठीक है, और कीर्ति जितेंद्र के पिता, जितेंद्र के पिताजी ये है, उनका जो भाई है उसकी बेटी है कीर्ति, ठीक है। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, ऐसे मत करिए, और कह रहे सुहानी तुषार की बहन है, तो तुषार की बहन है ना, तो सुहानी, तो भैया सुहानी की बुआ होंगी कीर्ति की, नहीं ये बताइए, कह रहे सुहानी कीर्ति से किस तरीके से रिलेटेड है, तो भैया सी ऑप्शन होगा, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को करिए, सब लोग डी 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 क्यों बोल रहे हो भाई, यहां पे सेकेंड जनरेशन पे आप पहुंच गए, डी क्यों बोल रहे हैं भैया, सी ही होगा जी, बिल्कुल, मैंने दोबारा आपको समझाया सेम बात, ठीक है। अश्विनी जी क्वेश्चन नंबर 4 तो जो हम रिपीट करेंगे, थोड़ी देर बाद करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं पहले, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन में आपको लेक्चर के दौरान अगर डाउट होता है और क्वेश्चन वो पीछे रह गया है तो आप उसको कमेंट में मेंशन कर दिया करिए क्वेश्चन को, मैं जरूर देख लूंगा, ठीक है। देखिए अगला क्या है, वुमेन मदर्स और सिस्टर्स में कौन सा वेन डायग्राम है, आज लड़के एनर्जेटिक नहीं लग रहे हैं, सैटरडे है ना तो आलस अपने आप आ गया होगा, मेरी तो तबीयत खराब है तब भी मैं पढ़ा रहा हूं, मैं एक फ्लो को नहीं तोड़ना चाहता हूं, ठीक है, बच्चे ध्यान से क्वेश्चंस को कर नहीं रहे, ठीक है, इतना मुझे लग रहा है, ठीक है। इसमें वेन डायग्राम बताइए भैया, वेन डायग्राम क्या होगा, वुमेन, अगर मैं वुमेन को इधर रखूं और कुछ वुमेन मदर भी होंगी और कुछ वुमेन सिस्टर भी होंगी और दोनों में कॉमन भी होगा, दैट इज डी पार्ट हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, डी पार्ट हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। डी पार्ट हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाइए, देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, ध्यान से देखिए, आप ओ से पहले जेड लिखा हुआ है, ठीक है, और ओ के बाद जेड लिखा हुआ है, तो ओ के बाद जेड लिख दीजिए यहां पर, ठीक है, ओ जेड ई, और देखिए एक और मिल गया, जहां पर जेड है
एक ही ऑप्शन है जेड वाला, तो जेड के बाद टी फिल करके देखिए, ओ जेड ई टी, ओ जेड ई टी और ओ जेड ई टी, तो आंसर में क्या आया, जेड टी ई ओ ई, ये हमारा आ गया ऑप्शन नंबर ए, हमारा सही आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 8 का ए ऑप्शन सही होगा। विद्या बिष्ट जी आंटी आंसर आ रहा था बेटा, बुआ को उसमें पूछा गया है 6 क्वेश्चन में, सुहानी किस तरीके से रिलेटेड है, तो सुहानी तो भतीजी हुई ना, आंटी तो आएगा, बुआ को आप आंटी कह सकते हैं, सुहानी पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कीर्ति किस तरीके से रिलेटेड है, आपसे पूछ रहा है सुहानी कीर्ति से किस तरीके से संबंधित है, तो सुहानी क्या है, कीर्ति की भतीजी है, सही से देखिए, आप उल्टा आंसर दे रही हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका, चलिए जो भी बच्चे लेट आए बट अभी आगे ध्यान दीजिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का ये पार्ट हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9th में आ जाते हैं, चलिए ध्यान से देखिए, आपको एनवेलप, एनवेलप का कोड गिवन है बेटा, IQZH PRTH, ये कोड गिवन है, आपसे पूछ रहा है इंटीमेट का कोड बताइए, ये 5 होता है, N 14 होता है, V 22 होता है मेरे भाई, E 5 होता है, L 12 होता है, O होता है 15, P होता है 16 और E होता है 5, ठीक है, I होता है 9, Q होता है 17, Z होता है 26, H होता है 8, P होता है 16, R होता है 18 और T 20 वर्ड का आने वाला है, T होता है 20, H होता है 8, ठीक है, तो आप देख लीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन में। भैया जल्दी आंसर की होड़ में मत करिए, ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल्स कहीं और ले जाएगा, आप क्वेश्चन में टाइम दीजिए, ऐसा नहीं है, ठीक है, और आपको टाइम कम लगता है मुझसे टाइम मांगिए, मैं वेट करूंगा, ठीक है, बट प्लीज थोड़ा सा अच्छे से आंसर दीजिए, ऐसे गलत आंसर देंगे आपका लॉस है, किसी का लॉस नहीं है, केवल और केवल आपका लॉस है। आप पहले पार्ट में देखिए क्या हो रहा है, +4 हो रहा है, फिर +3 हो रहा है, +4 +3 +4 +3 +4 और +3, ठीक है भैया, तो +4 अगर आप करेंगे इंटीमेट में, इंटीमेट में अगर आप +4 करेंगे तो आई होता है 9, और अगर इसमें 4 करेंगे प्लस तो आएगा 13, और 13 होता है एम, एम किस में है, केवल एक ही पार्ट में है, दैट इज ए पार्ट। आशुतोष पांडे जी अगर आपको नॉन वर्बल के क्वेश्चंस करने हैं, बिल्कुल अभी आ जाएंगे, हर लेक्चर में हम 2-3 क्वेश्चन डालते हैं, और सर ने 1.5 घंटे की वीडियो आपके लिए बनाई है, इसीलिए नॉन वर्बल के लिए ही केवल, ठीक है, और भी अभी वन शॉट में आ जाएंगे वीडियो नॉन वर्बल के भी, जो सेट बने हुए हैं उसी हिसाब से हम चल रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा, आगे का हमने देखा ही नहीं क्योंकि पहले अल्फाबेट में ही सारे अल्फाबेट पहले वाले अलग है, तो हम पहला पहला देख लें केवल, ठीक है, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 10th में आ जाते हैं, लीजिए नॉन वर्बल आपने बुलाया और ये चले आए, चलिए बताइए फिर आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर दीजिए सभी लोग। आशुतोष जी आपने याद किया नॉन वर्बल को, आ गया नॉन वर्बल, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर दीजिए सभी लोग बहुत ध्यान से। बहुत ध्यान से आंसर दीजिए, 54 लोगों ने सेशन लाइक किया है, 73 वॉचिंग है, प्लीज आप सेशन लाइक कर दीजिए जिन्होंने नहीं किया है अभी, बहुत सारे बच्चे सी पार्ट दे रहे हैं और कुछ लोग डी पार्ट भी दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है, देखिए भैया क्या हो सकता है यहां पर, आप एक बात ध्यान दीजिए, स्टार पहले यहां पर था, ठीक है, और स्टार कहां पर आया, अगले में यहां पर शिफ्ट हुआ, फिर अगले में यहां पर शिफ्ट हुआ, ठीक है, यहां तक आ गया ये, लेकिन अब यहां पर जिसकी पोजीशन थी अगले में, वो यहां से यहां पर गया, देखिए यहां से यहां पर गया लेफ्ट साइड, तो स्टार अगले में कहां आएगा, यहां पर आएगा, कहां पर आएगा, यहां पर, और यहां पर स्टार किसकी किस जगह, केवल एक ही पार्ट में है जो कि सी पार्ट में, सी पार्ट हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। भैया इंद्र देवता रोस्ट है, हर जगह रोस्ट है भैया, दिल्ली में भी बहुत रोस्ट है इंद्र देवता, बहुत तेज हवा चल रही है, ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट ने तो अनाउंसमेंट कर दी है, जितने लोग 35 किलोमीटर
केजी से कम है वो घर पे ही रहे, बाहर ना निकले, ठीक है? ठीक है, चलिए सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का। आउट ऑफ 10 आप लोगों के कितने मार्क्स बने, प्लीज रिप्लाई करिए कमेंट में। कानपुर, कन्नौज, दिल्ली, लखनऊ, हर जगह आपका बारिश बढ़िया ठीक ठाक हो रही है, खूब बढ़िया आंधी तूफान चल रहा है, तो परेशान नहीं होइए, बस घर पे बैठ करके बढ़िया से पढ़ाई करिए। 9, अमित सिंह जी 9 मार्क्स आए हैं। दिव्यांकुश 10 आउट ऑफ 10, अतुल 10, ठाकुर जी आपके 9, 8, नंदनी जी, अंशु यादव घाटमपुर वाले भाई 7, अश्विनी जी 8, रूपांजलि 9, प्रीति चौहान 10, 8.75 आयुष गुप्ता, 4 आउट ऑफ 5 जया जी। अब भैया नेट रोस्ट है अविरल भाई, तो इंतजार करिए थोड़ा सा, और क्या कर सकते हैं, जो चीज अपने हाथ में नहीं है उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। राधा जी 9, अमित सिंह 8 आउट ऑफ 9, अश्विनी 8, किट्टू जी हैं 5 आउट ऑफ 5, 10, बीइंग कलेक्टर 10, प्रकाश सोनी जी 6 में 6, प्रीति चौहान 10, योगेंद्र पाल 9, अश्विनी 8, ऐसे बहुत सारे नंबर्स आए हैं बच्चों के। रोहित पाल 7, झिंगा लाला भाई 8, कुसुम जी 8, ठीक है, मैक्सिमम बच्चे अच्छे नंबर लेकर के आए। और प्लीज आप लोग क्लास को टाइम से अटेंड किया करिए, आपसे ये रिक्वेस्ट है मेरी, ठीक है? क्योंकि अगर मैं टाइम से क्लास स्टार्ट करता हूं तो आप भी टाइम से आइए, आपको मजा आएगी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9th में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9th में आ जाते हैं। शिवम यादव जी 10 आउट ऑफ 10, एनसीसी कैडेट 7, हिमानी जी 8, अंकित चहर 8, शिवम यादव, जल्दी से क्वेश्चन करिए, 11th वाला, 11th क्वेश्चन करिए सभी लोग। माही जी 10, गुड, निक्की जी 9, चलिए गोरखपुर में भी हो रही है, चलिए बढ़िया है। अभी फिलहाल क्वेश्चन नंबर 11th का आंसर दीजिए सभी लोग। बेटा नेट प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है, अब कर रहा है, क्या करोगे बताइए? वो वहां पे मुकेश अंबानी जी क्या, वो रिसेप्शन रिसेप्शन चल रहा है, सारा नेट वही ले गए आप लोगों का। चलिए ध्यान दीजिए इस पे, आइए, ईएक्सपी देखिए सभी में है, ईएक्सपीए तक सभी में है, ईएक्सपीएन सभी में है, ईएक्सपीएन सभी में है मेरे भाई, देखिए। उसके बाद एस है, एस है, अब यहां पर है डी, डी है 4 नंबर पे, ऐसा आपको पता है, यहां पर भी डी है 4 नंबर पे, तो तीसरा और पांचवा देख लीजिए, डी के बाद बेटा ए आ रहा है, तो तीसरा सबसे पहले आएगा, और तीसरे के बाद कौन आएगा, पांचवा आएगा, और तीसरे के बाद पांचवा मेरे भाई केवल बी ऑप्शन में है, तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। लता जी आप क्यों ऑप्शन नंबर सी बोल रही है बहन, बताइए, ऑप्शन नंबर बी पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा जी। बी आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा, बीइंग कलेक्टर, आप डी क्यों बोल रहे हैं मेरे भाई, थर्ड और फिफ्थ में बहुत ध्यान से देखिए, ई एक्स पी ए एन डी के बाद में थर्ड में ए आ रहा है और यहां पर फिफ्थ वाले में ई आ रहा है, ठीक है, तो थर्ड को महत्व दीजिए थोड़ा सा, मतलब थर्ड पहले आएगा। बेटा परमार डिफेंस यहां पर है जहां पर आप देख रहे हैं, ठीक है फिलहाल, ठीक है, ऐसा कोई हम ऑफलाइन सेंटर नहीं है, बाकी सर ऑनलाइन ही आपको सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं, तो क्या ही प्रॉब्लम है, घर बैठे सब कुछ मिल रहा है आपके लिए। कहीं पर ऑफलाइन सेंटर खोल दिया जाएगा तो क्या सब बच्चे वहां पर आ पाएंगे, आएंगे तो कमरा लेंगे, कमरा लेंगे फिर रहेंगे, बनाएंगे, खाएंगे, घूमेंगे, पढ़ाई करेंगे, ठीक है? तो इससे अच्छा क्या है, घर पे बैठ करके माता पिता की नजरों के सामने पढ़ाई करिए अपना शांति से। देखिए इसका कोड बताइए, इसका इससे रिलेशन दिया हुआ है और सैंड बॉक्स का आपको कोड पूछ रहा है। हाँ जी, थोड़ा सा ऑप्शन भी देखा करिए, टाइम कम लगाना है जी, बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 12th पे आइए और आप देखिए, अगर यहां 17 है, यू 21 है, ओ 15 है, आर 18 है, ए 1 है, टी 20 है, ई 5 है, तो आप देखेंगे भैया सबसे पहले ए लिख गया, मतलब सबसे छोटा वाला लिख गया, फिर 5 लिख गया, फिर आपका 15 आ गया, 17 आ गया, आर 18 आ गया, टी 20 हो गया, यू 21 हो गया, मतलब आरोही क्रम में अल्फाबेट्स की कोडिंग को यहां पर लिख दिया गया है। तो सबसे छोटा है यहां पर मेरे भाई ए, ए के बाद आ जाएगा बी, और ए के जस्ट बाद बी है हमारे सी ऑप्शन में,
सी ऑप्शन हमारा सही होगा। बेटा बी ऑप्शन कौन बोल रहा है? बी ऑप्शन आप क्यों बोल रहे हैं मेरे भाई? सी ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 12th का। सी ऑप्शन सही आंसर है। छोटे से बड़े में क्रम में लिखा जा रहा है, छोटे से बड़े क्रम में लिखा जा रहा है, छोटे कोर्ट से बड़े कोर्ट में असेंडिंग ऑर्डर में लिखा जा रहा है, आरोही क्रम में लिखा जा रहा है कोड को। आप देखिए QUORATE का कोड AEOQRTU लिखा हुआ है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चंस को गलत मत करिए, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, क्या कर रहे हैं आप? बी जो बच्चे दे रहे हैं आंसर, क्यों दे रहे हैं? ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? किस लॉजिक से बी कर रहे हैं? ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है सभी को। 13th क्वेश्चन का आंसर देना है, क्वेश्चन नंबर 13th का आंसर देना है आप सभी को। प्लीज अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 13th में आ जाइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मूव फास्ट और लेफ्ट बिहाइंड को कोड किया गया है 71903। ठीक है, आपसे कोड किसका पूछा गया? लेफ्ट का, और ऑप्शंस पे बहुत ध्यान देंगे। ठीक है बेटा, जितने बच्चे हैं प्लीज 13th क्वेश्चन को बहुत सीरियस होकर के पढ़िए। भैया कानपुर नवस्था में नहीं है, नवस्था कानपुर में है। ठीक है, चलिए देखिए, मूव फास्ट और लेफ्ट बिहाइंड का कोड दिया हुआ है। मूव लेफ्ट बिहाइंड द जर्नी का कोड गिवन है। तो आप पहले और दूसरे को पहले बहुत ध्यान से देखिए, पहले और दूसरे में कॉमन वर्ड्स क्या है? पहले और दूसरे में कॉमन वर्ड्स है मूव, मूव के बाद है लेफ्ट, और लेफ्ट के बाद क्या है? बिहाइंड। ये है आपके कॉमन वर्ड बिहाइंड। ठीक है, इसका कोड अगर आप देखेंगे, पहले और दूसरे में कॉमन अल्फाबेट्स, कॉमन नंबर्स क्या क्या आ गए, आप देखेंगे बेटा 139 आया है। तो आप एक चीज के लिए तो बिल्कुल श्योर हो गए हैं कि लेफ्ट का कोड या तो 1 होगा, या तो 3 होगा, या तो 9 होगा। क्यों? मूव लेफ्ट बिहाइंड का कोड आपको 139 मिल गया। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं बेटा, तो लेफ्ट का कोड या तो 1 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है, या तो 9 हो सकता है। क्या मैंने कुछ गड़बड़ लिख दी? क्या मैंने कुछ गड़बड़ लिख दी? 0 भी कॉमन है क्या? मूव लेफ्ट बिहाइंड, यहां पर कोड मैंने कॉमन लिखा है 1, 9 एंड 3। एक मिनट, ठीक है। तो अगला देखिए एक बार जरा, किसका कोड निकालना है मुझको? ऑप्शन यहां पर बेटा एक और लिखा हुआ है। देखिए यहां पर 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, ये लोगों की वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। मैं इसको थोड़ा सा सही करता हूं, पीपीटी को ऊपर लेके जाता हूं। ये देखिए ऑप्शन नंबर 1 भी लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में मुझे दिखा ही नहीं था इसीलिए मैं रुका। तो ऑप्शन क्या हो सकता है? 139 हो सकता है। तो देखिए क्या यहां पर 5 ऑप्शन दिए हुए हैं ABCDE। यहां पर आपको ABCDE में क्या 3 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है? तो लेफ्ट का कोड बिल्कुल 110% 1 होगा। लेफ्ट का कोड क्या होगा? 1 होगा। क्वेश्चन गलत नहीं है, ऑप्शंस नीचे आ गए थे। जो सब्सक्राइब परमार डिफेंस लिखा हुआ है इस पे ओवरलैप कर गया था ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, क्लियर है बात? अब मैंने आपसे कहा लेफ्ट का कोड अगर 1 है, लेफ्ट का कोड क्या आया? 1 आया। क्लियर है सभी को? हाँ, ई ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14th में आइए, फिर से देखिए, इसको भी इन्होंने सही से लिखा नहीं है। एक मिनट रुक जाइए बेटा, मैं इसको भी सही कर देता हूं थोड़ा सा। ये भी ये देखिए यहां पर भी आपका लेफ्ट लिखा हुआ है। एक मिनट, ठीक है। हाँ आप बताइए, आप देखिए यहां पर कहा जा रहा है बेटा कि 3 किस किसका कोड होगा, 3 किसका कोड होगा मेरे भाई? तो आप ध्यान दीजिए, हमने आपसे कहा पिछली वाली स्लाइड में क्या हमने आंसर निकाला? मूव लेफ्ट बिहाइंड का कोड 139 था। मूव लेफ्ट बिहाइंड का कोड, मूव लेफ्ट बिहाइंड का कोड 139 था, जिसमें से 1 को हमने पैक कर दिया लेफ्ट के साथ में। तो मूव और बिहाइंड 3 बचा, 3 और 9। अब देखिए अगर हम बेटा मूव को देखिए, किसका कोड 3 पूछ रहा है ना? ठीक है, 3
थ्री को कॉमन देखिए, पहले में आ रहा है, दूसरे में आ रहा है, और थ्री किस में आ रहा है? और नहीं आ रहा है। तो देखिए हम सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट को देखते हैं, मूव का कोड आ रहा है, मूव आ रहा है आंसर में, चलिए देखते हैं। वैसे तो मूव ही आना चाहिए। बिहाइंड का कोड अगर हम निकाल दें, किसका कोड निकाल दें? बिहाइंड का। तो देखिए बेटा सेकेंड और फोर्थ में कॉमन देखिए, सेकेंड और फोर्थ में कॉमन क्या है? नाइन है, ठीक है, नाइन कॉमन है, तो बिहाइंड का कोड नाइन आ गया। तो थ्री किसका बच गया? थ्री बच गया मूव का। तो मूव का कोड क्या होगा? थ्री होगा, ऑप्शन नंबर ए। बिहाइंड नहीं हो सकता बेटा, बिहाइंड इसलिए नहीं हो सकता, सेकेंड और फोर्थ का कॉमन अल्फाबेट देखिए, कॉमन वर्ड देखिए बिहाइंड, और बिहाइंड के साथ में आपको यह पता है बिहाइंड हो सकता है थ्री या तो नाइन, ठीक है, लेकिन सेकेंड और फोर्थ में, सेकेंड और फोर्थ में थ्री और नाइन दोनों नहीं है, दोनों में केवल नाइन लिखा है, इट मीन्स बिहाइंड का कोड नाइन होगा। क्लियर है? जो बच्चे कह रहे हैं कि बिहाइंड का कोड भी थ्री हो सकता है, नहीं हो सकता बिल्कुल, सेकेंड और फोर्थ स्टेटमेंट को चेक कर लीजिए। क्लियर है? समझ में आ गया सभी को? बिहाइंड नाइन ही होगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15th में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15th, बताइए सभी लोग क्या होगा आंसर इसका। मजा आया क्वेश्चन में 14th और 13th में? बताइए क्वेश्चन नंबर 15th। उमेश सीधे पी से क्यू चला गया। अब भैया हमें यहां पर डायरेक्शन नहीं दी हुई है, तो आप सीधे एक पॉइंट को पी बनाइए, एक को क्यू बनाइए। तो देखिए उमेश ने यहां से स्टार्टिंग करी, पॉइंट पी से कहां गया? सीधे गया, कहां तक गया? पॉइंट क्यू तक गया। तो जब इधर गया तो हम एरो जरी लगा दे रहे हैं, 9 फीट चला, फिर वह दाएं मुड़ता है, राइट मुड़ता है और 4 फीट चलता है। कितना चला बेटा? 4 चला। पी क्यू से आर पर आ गया मान लेते हैं, 4 फीट चलता है। इसके बाद वह दाई ओर मुड़ा, मतलब फिर से वो राइट हुआ, राइट मतलब इधर साइड मुड़ा, और कह रहे हैं कि और एक दूरी तक चला जो पी क्यू के बराबर है। भैया पी क्यू के बराबर दूरी तक चला राइट मुड़ने के बाद, तो यहीं पर आ गया, आर्क से एस पर आ गया, ठीक है, पी क्यू के बराबर है। अंत में वह दाएं मुड़ा, कहां पर मुड़ा? दाएं मुड़ा और 3 फीट चला, तो ऊपर चले गए हम 3 फीट, ठीक है। तो बताइए टी पॉइंट पर आ गए, तो कितना गैप बच गया? अब पी से कितनी दूर है? अब वह पॉइंट पी से कितनी दूर है? केवल और केवल 1 फीट का गैप बच गया, क्योंकि ये टोटल बेटा 4 फीट था, तो 1 फीट हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16th में आ जाता है। 16th का आंसर बताइए, एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 15th का आंसर बताइए, तब तक मैं पानी पी लेता। 16th का आंसर बताइए सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 16th का आंसर बताइए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 16th का आंसर बताइए। सॉल्व करिए सभी लोग क्वेश्चन नंबर 16th। देखिए क्वेश्चन नंबर 16th में क्या दिया हुआ है, कह रहे हैं माइनस को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? माइनस की जगह हम डिवाइड लगा रहे हैं, माइनस को डिवाइड से, प्लस, प्लस को कह रहे हैं गुणा लगा रहे हैं, डिवाइड को घटाना लगा रहे हैं, और मल्टीप्लाई को हम लगा रहे हैं जोड़, ठीक है। कुछ बच्चों का 16th का डी आ रहा है और बहुत बच्चों का सी आ रहा है। चलिए अब जिनका सी आ रहा है, जिनका डी आ रहा है, वो ध्यान दें। देखिए बेटा पहले तो मैं लॉजिक ये यहां पर समझूंगा कि माइनस की जगह डिवाइड आ रहा है, तो जहां जहां पर माइनस है वहां देखिए क्या उसके नेक्स्ट वाला नंबर उसको डिवाइड कर रहा है कंप्लीटली, बिल्कुल कर रहा है। तो हम पहले बेटा सबसे चेक करेंगे किसको? सबसे पहले चेक करेंगे ए और डी को, या तो ए को या तो डी को, ठीक है। सबसे पहले चेक करेंगे ए को या तो डी को। तो आप पहले, मैं आपको सलाह दे रहा हूं कि डी चेक कर लीजिए, आप ए भी चेक कर ले, चेक कर सकते हैं। तो 620, देखिए डिवाइड की जगह मैं क्या लिख रहा हूं? माइनस लिख रहा हूं। मल्टीप्लाई की जगह मैं क्या लिख रहा हूं? प्लस लिख रहा हूं।
12 प्लस की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, मल्टीप्लाई, 7 माइनस की जगह डिवाइड 1 लिख रहा हूं, ठीक है। 6 माइनस 20 और 7 डिवाइड बाई 1 7 ही रहेगा, और 7 इंटू 12 12 सत्ते 84, ठीक है 84 आ गया। 84 प्लस 6 हो गया 90, 90 माइनस 20 बेटा 70 आ गया। ऑप्शन नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो जो बच्चे सी दे रहे थे वो बहुत ध्यान से चीजों को समझिए। मैंने ए और डी को ही क्यों पहले उठाया, क्योंकि माइनस की जगह डिवाइड लगा रहा है, तो डिवाइड तब हम एक चेक करेंगे कि जिसमें डिविजिबल हो जाए कंप्लीटली, ठीक है। और बाकी में एक बार एक दो में चेक करिए आप, 20 के बीच में माइनस लगा है सी पार्ट में, क्या 20 को आप 12 से कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही 6 माइनस 20 लिखा है बी पार्ट में, 6 को आप 20 से डिवाइड नहीं कर सकते कंप्लीटली, ठीक है सॉरी तो डी पार्ट हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद है आपको बढ़िया क्वेश्चन आज लग रहे होंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन लग रहे होंगे। चलिए बताइए, 9:45 की घड़ी पर घड़ी की सुइयों के बीच का कोण बता दीजिए। 9:45 बज रहा है, ठीक है, एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए। अश्विनी जी ने ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, लक्ष्मी सिंह ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश सोनी 22 डिग्री अप्रोक्स। बेटा 22 और डिग्री अप्रोक्स कैसे बोल सकते हो आप, 22 भी ऑप्शन में है, 22.5 भी है, तो कोई अप्रोक्स क्या होता है सॉरी चलिए आप लोग पहली बात तो इसका फॉर्मूला यूज करते हैं, एंगल का क्या यूज करते हैं, 30h माइनस 11/2m यही यूज करते हैं। इससे अगर आप फॉर्मूला निकालेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, h की जगह 30 इंटू 9 माइनस 11/2 इंटू एम की जगह 45, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको 22.5 मिलेगा, 22.5 मिलेगा। रूपांजलि जी आप 22 क्यों बोल रही, बहुत ध्यान से बेटा, तभी मैंने 22 और 22.5 दोनों लिखा है, कोई यहां पर अंदाजा नहीं चलेगा, ठीक है, आपको करेक्ट आंसर निकालना पड़ेगा। अब आप मेरी एक बात समझो, मैं आपको एक चीज और सिखाना चाहता हूं, कभी भी टाइम में 9:45 दिया हुआ है, यहां पर अगर आप कट करेंगे 9 1 9 और 9 5 45 कभी भी टाइम का रेशियो अगर आर और मिनट का रेशियो अगर 1:5 आपको मिल रहा है, अगर आपको ये रेशियो मिल रहा है, मैं आपको क्या समझा रहा हूं, बहुत शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, 9:45 लिखा है आपसे, मैं कह रहा हूं इसको काट करके देखिए, 9 5 45 लिखा है, ठीक है, तो 1:5 अगर मिल रहा है तो जो आपके मिनट में लिखा होगा उसका आधा एंगल होगा 22.5, 45 का आधा 22.5। हाँ अगर 5 गुना है तो मिनट वाले का हाफ कर दो, ठीक है, प्रकाश सोनी जी ने सही बात बोली, बिल्कुल क्लियर है जी, बिल्कुल प्रकाश सोनी जी बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर मैं इसी जगह 8:40 का आंसर पूछता, 8:40 बज रहा है, 8:40 तो क्या एंगल होगा, मैंने कहा अगर 8 5 40 है, 5 गुना है तो मिनट वाले को आधा कर दो 20 डिग्री होगा, क्लियर है सभी को, हाँ एग्जाम्पल 8:40 में 20 डिग्री आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाइए, बहुत बढ़िया सभी लोग बहुत अच्छे अच्छे आंसर दे रहे हैं, क्या नहीं होगा भैया, चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए सभी लोग। देखिए बेटा जैसा पहले वाला पैटर्न बना हुआ है ए वाला, वैसा ही ई वाला पैटर्न बना हुआ है, बस डायग्राम्स अलग है, डिजाइन जो है वो अलग है, ठीक है, मतलब यहां पर रखा हुआ है, यहां पर रखा हुआ है, इधर रखा हुआ है, इधर रखा हुआ है, तो पहले वाले का ही मूवमेंट चेक कर लीजिए, वही उसी हिसाब से हम लास्ट वाले का मूवमेंट कर देंगे, पहले वाले का ही मूवमेंट चेक कर लीजिए, उसी हिसाब से हम लास्ट वाले का मूवमेंट कर देंगे भैया।
तो देखिए यहां पर क्या है, ये जो क्रॉस था ये आगे शिफ्ट हो गया, तो मैं कह रहा हूं ट्राइंगल को भी क्या कर दो, आगे शिफ्ट कर दो। ठीक है, ट्राइंगल को कहां शिफ्ट कर दो, आगे शिफ्ट कर दो, कर दिया मैंने। अब ये क्या कह रहे हैं कि जो सर्कल था कंप्लीट वाला वो नीचे शिफ्ट हो गया अगले वाले में। देखिए यहां से यहां पर आइए, तो यहां पर क्या था, ये स्टार था, इसको भी हम क्या कर रहे हैं, नीचे शिफ्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, ये वाला जो स्क्वायर है ये लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गया, तो यहां पर जो आपका ये रेक्टेंगल बना था इसको भी आप लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दीजिए। उसके बाद क्या, ये जो सी बना हुआ है, ये सी कहां चला गया, ये सी ऊपर की तरफ शिफ्ट तो हुआ है लेकिन नया नंबर आया, बट यहां पर क्या, इसको भी आप ऊपर की तरफ शिफ्ट करिए। केवल और केवल एक पैटर्न यही बन रहा है, और अगर कोई पैटर्न आप बनाएंगे तो आप देखेंगे ऑप्शंस गलत हो जाएंगे, दैट इज ऑप्शन नंबर ए वन, क्योंकि इसके साथ में केवल और केवल ए ही होगा। बी वाले जो बच्चे हैं प्लीज इस चीज को समझिए, ऐसा आप बी क्यों बोल रहे हैं, न्यू सिंबल से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो तीन सिंबल आपके चल रहे हैं उसमें आ रहे हैं वो भी तो आने चाहिए, इन तीनों को कंप्लीट होना चाहिए। ये देखिए, ये तीनों को कंप्लीट होना चाहिए भाई, और ये तीनों किसी में दिख रहे हैं आपको, ये तीनों किसी में नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, तो आप ऑप्शन नंबर फोर के बाद न्यू सिंबल तो मैं मान रहा हूं, लेकिन आप ये समझिए इस तीन के बाद में कोई रिपीट यहां पे और किसी पैटर्न में नहीं मिल रहा है, तो मेरी तरफ से ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। बेटा ऑप्शंस में भी देखा जाता है, अगर यहां पर ऑप्शन में न्यू सिंबल कहीं पर किसी ऑप्शन में बना होता उन तीन के साथ में, तो हम ऑप्शन उसी को लगाते हैं, नए वाले को, जब बना ही नहीं है। देखिए ऑप्शन नंबर यहां पर ए ही में, फर्स्ट वाले में ही तीनों पैटर्न बने हुए हैं, उसके बाद हम उसको देख रहे हैं, बाकी में कोई पहला वाला पैटर्न बना ही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाइए। चलिए मोहित जी मैं देखता हूं उसको, फिर 18th के लिए आप बी बोल रहे हैं, मेरे एंड से ए है। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लूंगा, मैं उस पर कसम नहीं खा रहा हूं कि ए ही होगा, मेरे एंड से वैसे ए है, आप बी कह रहे हैं, मैं देख लूंगा उसको एक बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 बताइए, क्वेश्चन नंबर 19 का ई क्यों बोल रहे हैं आप, क्योंकि आप देखिए ये जो लास्ट वाली स्टिक है ये उल्टी हो गई, यहां पर देखिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट वाली भी उल्टी हो गई, एक एक करके उल्टी हो रही है स्टिक्स, तो यहां पर लास्ट वाली बची, इसके बाद क्या होगा, ये वाली भी उल्टी हो जाएगी, दैट मींस फिफ्थ वाला पार्ट हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, अभी चेक कर रहा, रुकिए एक मिनट, 20 होने के बाद में चेक करते हैं आराम से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का फिफ्थ होगा, 20th में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 20th में आइए, 60 कारों की एक पंक्ति में, एक पंक्ति बनी हुई है जिसमें 60 कार है। ठीक है, और दाएं कार ए दाएं छोर से 32वें स्थान पर है, तो दाया किधर है, राइट इधर है, दाया हम क्योंकि, और लेफ्ट इधर है। ठीक है, और हम देख किधर आए, हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं, इसलिए राइट लेफ्ट इस तरफ है। ठीक है, कार ए जो है वो राइट साइड से कितनी है, 32nd नंबर पर है, 32nd नंबर पर है, तो बाएं से इसकी स्थिति क्या होगी आप ही बताइए। मैंने आपको बताया है ए की लेफ्ट हैंड रैंक प्लस ए की राइट हैंड रैंक इज इक्वल टू टोटल प्लस वन, कितनी कारें थी, 60 थी, 60 प्लस वन 61 होगा, और राइट हैंड से जो रैंक दी उसको उधर माइनस कर दीजिए, 61 में आप 32 को माइनस कर दीजिए, 29 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आएगा बी पार्ट, 29 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आएगा बी पार्ट। ठीक है, जल्दी से अपने मार्क्स बताइए सभी लोग, और अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18th में। हाँ जी बताइए, अब क्या हो रहा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 18th में आइए और बताइए क्या हो रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18th का क्या हाल है, पहले बात समझिएगा बहुत ध्यान से, पहले मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर हम पहले से दूसरे में जाएं, क्रॉस बना हुआ है, पहले से दूसरे में गए, शिफ्ट हो गया क्रॉस, ठीक है, और ये सर्कल नीचे चला गया और ये स्क्वायर इधर चला गया, ये जो सी था
ठीक है, इसकी आपकी डायग्राम नया आ गया, इसकी जगह कॉर्नर्स पे चले गए। अब आप एक बात ये बताइए, अगर मैं इससे फिर से आता हूं, इस वाले से बी से सी में जाते हैं अगर हम, ठीक है जी, बहुत बढ़िया सुमित जी, 20 out of 20, दिव्यांकुश 18 18, 18 अंकित जी, योगेंद्र पाल 19, चौधरी जी हमारे 15, रूपांजलि 18, स्नेहा शर्मा 12 में 12। बेटा मैं न्यू सिंबल चेक कर रहा हूं, बट मेरा आप बात नहीं समझ रहे, मैं ये कह रहा हूं पोजीशन भी तो आप चेक करोगे, पोजीशन नहीं चेक करोगे क्या, ये बताओ मुझे। न्यू सिंबल तो मैं चेक कर रहा हूं, अरे भैया बी में मैं न्यू सिंबल देख रहा हूं, अगर आप बी सिंबल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपका बी है, लेकिन आप पोजीशन का जो रोटेशन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग भी तो चल सकते हैं। ट्रायंगल को आप आगे शिफ्ट करेंगे, ठीक है, ये वाला स्टार आपका नीचे शिफ्ट होगा, ये वाला स्क्वायर आपका रेक्टेंगल जो है लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा, और ये जो पार्ट है आप इसको कह रहे हैं न्यू सिंबल लेकर के आइए, इसको हम ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं, आप यही कह रहे हैं। पोजीशन भी ठीक है क्या? नहीं, लेकिन तो हम तो ये वाले पे ये वाला लेकर के आ रहे हैं, तब हम न्यू सिंबल लेकर के आ रहे हैं। चलिए मैं एक बार और चेक कर लेता हूं, पोजीशन भी ठीक है, ठीक है ठीक है, ओके ओके, मैं इसको ऊपर ले गया, आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं इसको ऊपर ले जाइए, इसको आगे शिफ्ट कर दीजिए, इसको नीचे शिफ्ट कर दीजिए, और इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए, और इसकी जगह न्यू सिंबल आप लेकर के आ रहे हैं, तो ठीक है, अगर आप इसकी जगह न्यू सिंबल लेकर के आ रहे हैं तो आपको 18 का बी मिलेगा, नहीं तो अगर आप जिस पोजीशन के अकॉर्डिंग न्यू सिंबल आ रहा था, अगर आप केवल पोजीशन को चेक करेंगे, ये भी तो देखिए किसकी जगह न्यू सिंबल आ रहा है, तो आपका ए होगा सही। मैं समझ गया आपका, साउथ वेस्ट में न्यू सिंबल है, साउथ वेस्ट आप ओके ठीक है ठीक है ठीक है, बी होगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का बी आंसर होगा, ठीक है, मैंने उसका अगला वाला पार्ट नहीं देखा, सॉरी उसके लिए, ठीक है ठीक है, बी होगा, ओके, क्वेश्चन नंबर 18 का बी पार्ट होगा। तो कैसा रहा आज का सेशन? ठीक है, बी होगा 18 का, सॉरी उसके लिए, तभी मैंने दोबारा गया कि एक दो बच्चे बोल रहे थे कि बी होगा, तो मैंने सोचा चलो दोबारा देख लेते हैं। हाँ जी, तो क्लियर है अभी ये फिलहाल? फोर्थ नंबर में क्या प्रॉब्लम है बताइए, फोर्थ नंबर बताइए, किसको क्या प्रॉब्लम थी फोर्थ नंबर में, जल्दी से बताइए, फोर्थ नंबर में आप कौन बच्चा बोल रहा था, फोर्थ नंबर कौन बच्चा बोल रहा था, कुंदन यादव जी बताइए क्या दिक्कत है फोर्थ नंबर में। लीजिए मैंने हटा दिया इसको, फोर्थ को बिल्कुल क्लियर कर दिया, बताइए फोर्थ नंबर का, बताइए क्या दिक्कत है। थैंक यू भैया, सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो के बाद में सेशन को लाइक कर दीजिए। क्या होगा ऑप्शन तो बताइए, आप क्या चाह रहे हैं उसमें कहना। बताइए फोर्थ में क्या बोल रहे हैं, रीजन दीजिए अपना। मैंने तो रीजन दिया कि भैया मैंने लॉजिक सेट किया और सब में सेट हो रहा था, ठीक है, वो सब में सेट हो रहा है, आप अपना लॉजिक दे दो। बेटा सेट तो लगातार कंटिन्यूअस चलते रहेंगे 15 तारीख तक लगभग, जब तक आपका एग्जाम नहीं स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। 8 का स्क्वायर, रुक जाओ मैं आपका कमेंट पढ़ लू, 8 का स्क्वायर, 7 में स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, बेटा 8 का स्क्वायर किसमें हो रखा है बताइए। आठ का स्क्वायर किसमें हो रखा है भाई कुंदन जी, बेटा 8 का स्क्वायर 64 होता है,
सात का स्क्वायर 49 होता है, सिक्स का स्क्वायर 36 होता है, आप क्या कहना चाह रहे हैं बताइए। यहां पर 64, 49 और 36 कहीं पर लिखा ही नहीं है, उसका डबल कर रहे हैं क्या? वो भी नहीं है। कुंदन जी, इस क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। अच्छा जी, 8 9 72, 8 7 56, आप कह रहे हैं 8 9 72, 8 7 56, और इसको क्या लिख रहे हैं आप? सात छंग 42। अच्छा जी ठीक है, फिर आप क्या कह रहे हैं इसमें? अच्छा इसमें, अच्छा, समझ गया मैं आपकी बात। ठीक है, आप कह रहे हैं कि सर इससे जो मैच कर रहा है वो ए ऑप्शन है, यही कह रहे हैं ना? आप कह रहे हैं उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी तरह संबंधित हैं जो निम्नलिखित सेट की संख्याएं हैं। ठीक है, आप इसको 132 को क्या लिख सकते हैं? 12 × 11, इसको लिख सकते हैं 11 × 10, यही कह रहे हैं? इसको लिख सकते हैं 10 × 9, बाकी में नहीं आ रहा है, आप ये कह रहे हैं? ठीक है, मैं बात समझ गया आपकी। ठीक है, हमने ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं पढ़ा था, फोर्थ में हमने ऑड वन आउट निकाल दिया, ऑड वन आउट निकाल दिया, यही कह रहे हैं ना आप? तो हाँ, मैं समझ गया आपकी बात लोकेंद्र पाल जी। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को कल वाले सेट में फिर से डालूंगा, ठीक है, उसको फिर से लिख के समझा लूंगा। मैंने ऑड वन आउट निकाल दिया, ठीक है, अगर यहां पे लिखा होता कौन एक दूसरे से डिफरेंट है तो आप उसका आंसर देते। ठीक है, ओके, समझ गया मैं आपकी बात, थैंक यू। बिल्कुल, अब आप जिसपे सही कहेंगे वो ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आज इतना ही रखते हैं, कल मैं ये क्वेश्चन फिर से डालूंगा, बच्चों को एक बार फिर से बताऊंगा। वो लॉजिक सेट था, उसका कोई दिक्कत नहीं था, बस वो ऑड वन आउट का क्वेश्चन था। ठीक है, ओके, थैंक यू ऑल, गुड नाइट, कल मिलते हैं, थैंक यू सभी को, थैंक यू, चलिए गुड नाइट।